Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. What's up, welcome back to my channel, my new video. So guys, एक हफ्ता हो गया होगा या कुछ, I guess एक हफ्ता तो हो गया होगा. मैंने कोई vlog नहीं बनाया, कोई video भी नहीं बनाया. क्यों नहीं बनाया वो end में बताऊंगा, but अभी home vlog और home workout पापा के साथ कर रहा हूँ मैं. पापा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ. आपको last time भी मेरा पापा के साथ workout किया तो अच्छा लगा था. मेरे एक दिन में कुछ 70-80 व्यूज़ या 90 व्यूज़ आ गए थे. सो मैंने सोचा अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों ना एक और बना दूँ. ये अभी बैठे बैठे सोचा, रिसेंटली बस सडनली सोचा और बना रहा हूँ. सो पापा वेट कर रहे हैं, चलो. अपने पापा की लाइक अपने एज की फ़ोटो बतानी थी, लाइक 25 टू लेके 30 की. बट पापा की तो पता नहीं, पापा की ऊपर रखी, पर दादाजी की मिल गई. हाँ, ये दादाजी की एज है 25 कुछ 30. ये दादी की रूम में रख पड़ी थी तो मुझे याद आया कि यहाँ पे एक फ्रेम है तो आप पापा की फ़ोटो दिखा दूँ. यहाँ पे बीच में बैठे हैं पापा. सो ये दादाजी है मेरे, ये दादी है, ये पापा है, और ये मेरे छोटे भाई ने फ्रेम तोड़ दी. बट इट्स क्यूट. आप बताना एक फ़ोटो फ्रेम कैसी है. शेड्यूल मैंने ऐसे रखा है ना कि मेरा जैसे रखा है, लाइक मंडे टू सैटरडे तक ऐसा है, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट एंड लेग्स एंड एब्स साथ में. मतलब एब्स तो दो दो एक्सरसाइज साथ में रोज ही होती है, बट मैंने अपना शेड्यूल पापा जैसे ही रखा है. एंड पापा इतना बोलते हैं ना, हार्डली नहीं कर पाते, इसलिए 4-5 सेट मारते हैं. एंड रेपिटेशन कुछ 15-20-25 इतने होते हैं. सो ये कुछ था शेड्यूल बता दिया. सो गाइस, जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये वाली, इसमें थोड़ा रॉड लंबा अच्छी होता है, बट रॉड थोड़ा छोटा है, इसलिए इसके चक्के पकड़ के ऊपर करना पड़ता है. सो इससे इफेक्ट पूरा अच्छे से आ जाता है, इसीलिए ऐसा मार रहे हैं. आज कुछ 4 महीने हो गए होंगे जिम नहीं गया मैं, एंड मेरी यहाँ पे बॉडी डाउन हो जा रही है. मेरी नहीं, इनफैक्ट जो जिम गया अभी तक, और जिम में अपना 100% लेके अपनी बॉडी बनाई होगी, थोड़ी सी भी लेके, मतलब 10 से लेके 80-100 या कुछ भी, जितनी भी बॉडी बनाई होगी उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज में बॉडी उतरी होगी. तो यहाँ पापा अपनी बॉडी बनाने में लगे हैं. तो यहाँ पे अपनी, मेरे को अपनी बॉडी देख के लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट में थोड़ा सा बोलते ना, बहुत ज़्यादा ही तो नहीं पता, पर उतर चुकी है. और यहाँ पे पापा का मेरे को देख के लगता है यहाँ पे बढ़ रही है थोड़ी सी. कैमरा पे इतना कैप्चर नहीं हो रहा, बट रियल में दिख रहा है. भाई लास्ट 3-4 हफ्ते हो गए होंगे पापा मेरे साथ ही वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक मेरे साथ तो नहीं कर रहे बट मेरी बताई हुई एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड वो अपना 100% दे रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अपना 100% दे रहे हैं और मेरी बताई हुई एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो मेरे को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बोलते ना प्रोग्रेस हो रहा है. लास्ट मैं 4 महीने से मैं घर पर वर्कआउट कर तो रहा हूँ, बट मेरे को एक बात बोलनी थी, मेरे को अभी याद आई. जैसे पापा वर्कआउट करे तो मुझे याद आया कि लाइक आपके पास रॉड या डंबल हो तो भी आपको एक दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. लाइक अपने केबल पे जो मारते हो वो घर पे नहीं मार पाएंगे, अपने को बेंच चाहिए, बेंच भी नहीं है तो वो भी नहीं मार पाएंगे, बट एक स्टूल के हेल्प से इतनी एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती. सो एक बेंच होती तो पूरा अच्छे से बोलते ना हो जाता, और कुछ नहीं चाहिए होता, एक दो चीज़ें खाली, एक बेंच और एक थोड़ा सा वेट और मिल जाता बस. बाद में तो 3 महीने घर नहीं, 4 महीने विदाउट जिम निकाले ना,
तीन महीने और बिना जिम निकाल लेता है, दो चीज़ होता थी, बट कोई नहीं, जो है वो बहुत है और उसमें खुश हो और अच्छा है। वो भी नहीं होता तो अभी मैं माचिस की तूली होता। राइट गाइस, सो पापा का वर्कआउट ख़त्म हो गया एंड मैं अभी वर्कआउट नहीं कर रहा, मतलब वर्कआउट करता हूँ बट एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ। उसके रीज़न ये है कि मतलब जब एक दिन मैं करता हूँ ना, तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर में चेस्ट और बाइसेप साथ में मारता हूँ, मतलब दो दो के कपल साथ में मारता हूँ, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के करता हूँ। सो ये था पापा का वर्कआउट एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको बताना, आपको दिख रहा है कि पापा का मतलब बॉडी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कि थोड़ा सा पंप आ रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, कुछ जैसा भी कमेंट में बताना। एंड सो गाइस, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है रिलेटेड, मैंने वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था कि मतलब किस चीज़ के ऊपर शूट करूँ मैं लिटरली घर पे बैठा हूँ अभी लास्ट कुछ टाइम से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। मूवी देखता हूँ, पबजी खेलता हूँ, सोता हूँ, लेट नाइट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, बोलते हैं बहुत इरेगुलर हो गया हूँ मैं। अब जिम होता है तो मैं बोलते हैं एकदम प्रॉपरली जल्दी नींद आती है, जल्दी उठ जाता हूँ, खाना पीना सब सही होता है, बट जिम में नहीं, तो इरेगुलर हो गया हूँ। और जैसे अभी यूट्यूब भी स्टार्ट किया तो उसमें भी इरेगुलर हो गया हूँ मैं, लाइक मुझे हफ्ते हफ्ते तक तो समझ ही नहीं आता मैं बनाऊँ क्या, जैसे अभी वीडियो डालूँगा उसके बाद वापस टेंशन कि अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुला है, दोनों बीच का है, लॉकडाउन खुल भी गया है बंद भी है, और खुल भी गया तो सूरत में ऐसा नहीं है कि कुछ जाके ब्लॉग बना दूँ मैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ है, बहुत गिनी चुनी चीज़ है, उसमें मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। सो अब दिल्ली मुंबई में जैसा ऐसा नहीं है कि मतलब आप घर से बाहर निकलोगे थोड़े से आगे चलते आपका एक वीडियो बन जाएगा, वैसा नहीं है, सूरत में बहुत दिक्कत होती है, चलो सूरत की छोड़ो अभी। एंड ये चीज़ मेरे को बोलते हैं थोड़ी परेशानी होती है कि अभी बनाऊँ कि ऐसे बनाऊँ क्यों नहीं, तो ये एक बात थी। एंड अभी एक बात ये है, देखो अभी मुझे ये भी हैरानी हो रही है अभी इससे भी, लग सैलून खुले हुए मैं बाल कटा नहीं सकता, और मैं थोड़े दिन में और देखूँ मैं भालू बन जाऊँगा, मतलब हर चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है अभी। आई डोंट नो ये कब सॉल्व आउट होगा, कब नॉर्मल होगा, कब मैं वापस कंटिन्यू करूं, कोई नहीं। आई गेस आप बोर नहीं होंगे ब्लॉग से, एंड मैं भी थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहा हूं इसलिए अच्छे से भी नहीं बोल पा रहा हूं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट, एंड प्लीज़ अगर अच्छा नहीं लगा तो यू कैन डिसलाइक, बट प्लीज़ कमेंट इट आउट कि पापा के वर्कआउट कैसा जा रहा है, मतलब थोड़ा आपको कैसा दिख रहा है कि सही जा रहा है गलत जा रहा है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। एंड आपको जो आप भी सपोर्ट कर सकते हो, लाइक आपको अभी घर पे बैठे बैठे मैं किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ, घर पे बैठ के घर पे बाहर भी जा सकता हूँ अगर आप बोलो तो। सो आप बस बता देना कमेंट करके, मैं उस पर ब्लॉग बना दूँगा। एंड ये देखो एक और, हाँ तो हाँ एक चीज़ याद है, मैं सोच रहा हूँ ये जो गार्नियर का जो पिंपल का फेस वॉश बोलते हैं ना, इससे पिंपल हटता है, मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँ, मतलब वीडियो बनाऊँ कि सही में हटता है कि नहीं हटता है, मैं सोच रहा हूँ, अगर बना दूँगा तो डाल दूँगा, नहीं बनाऊँगा तो नहीं डालूँगा। ठीक है, सो आई विल मीट यू माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड घर पे रहो, खुल गया है मतलब इससे बोल रहा हूँ घर पे रहो, बाकी आपकी इच्छा है। एंड बाय बाय, टेक कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट करना जरूरी है, जरूरी तो नहीं है बट कर देना, अच्छा लगेगा।